हेलो फ्रेंड्स, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऐसे तो 2024 में कंप्लीट बजट आने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पे मैंने पांच ऐसे सेक्टर या फिर पांच ऐसे सेगमेंट को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सरकार ज्यादा पैसा यहाँ पे एलोकेट कर सकता है। नंबर वन यहाँ पे होती है रूरल डिस्ट्रिक्ट, यानी आप सबको पता होगा इलेक्शन रिजल्ट जब आया है तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा था कि रूरल एरिया में लोगों के पास ज्यादा इनकम नहीं है, यानी यहाँ पे एक्सपेंडिचर काफी कम हो रहा है। तो ऐसे में रूरल एरिया में एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंजम्पशन के ऊपर, जो नॉर्मल रिटेल कंजम्पशन है उसके ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एंड नंबर टू यहाँ पे डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर आप सबको पता है ऑल ग्लोबली अभी चल रहा है कि डिफेंस मार्केट में कौन ज्यादा मास्टरी करेगा। तो यहाँ पे अभी कुछ दिनों से यानी कुछ सालों से ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड जो गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज है, डिफेंस कंपनीज है, उनके पास भर भर के करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर का जो यहाँ पे ऑर्डर भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसे देखते हुए डिफेंस के सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा बूम आया है। यहाँ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो नंबर थ्री में यहाँ पे आती है रेलवे। अभी देखो रेलवे में काफी सारा डेवलपमेंट आया है, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन आने वाला है, काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में रेलवे के जो सेक्टर है यहाँ पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे रेलवे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नंबर फोर यहाँ पे होती है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो कोविड के बाद ऑल वर्ल्ड को ये पता चल गया कि किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीछे नहीं है। तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम, बाकी और सारे फैसिलिटीज के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जायंट्स है, ऐसे कंपनीज को, ऐसे सेक्टर को इंडिया में बुलाने के लिए काफी सारे इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी पैसा यहाँ पे खर्चा कर सकता है। नंबर फाइव जो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसे सारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से इसके रिलेटेड जो कंपनीज है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ऐसे सारे सेक्टर में काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे एलोकेशन कर सकता है। क्योंकि ऐसे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने से यहाँ पे लोगों के पास नौकरी आती है, जॉब्स आती है एंड लोगों के पास इनकम भी बढ़ता है। एंड लॉन्ग टर्म में देश की ग्रोथ इसी सारे चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए देखते हैं कि जो फाइव स्मॉल कैश मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, तो ऐसे तो ये सारे स्मॉल कैश में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट मुझे ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा फीलिंग है कि ये जो बजट आने वाला है या फिर ये बजट में ऐसे जो सेक्टर्स है, ऐसे जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, तो यहाँ पे ये सारे स्मॉल कैश बास्केट्स ज्यादा रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा इफेक्टेबल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन में सबसे नंबर वन में जो मैंने लिस्ट किया है इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वाली स्मॉल कैश को काफी दिन पहले मैंने, आई थिंक 2 मंथ्स बिफोर मैंने एक बार रिव्यू किया था गोल्फी की स्मॉल कैश से, काफी अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड दिया है। 8 मंथ में स्लोली ये ग्रो हुआ है क्योंकि 30-30% रिटर्न दे रहा था। अभी जब मार्केट बढ़ा है तो यहाँ पे भी ये अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये वाली रिटर्न तो आप देख रहे हो 61.72% रिटर्न दिख रहा है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 से यहाँ पे स्टार्ट करनी होगी। बट बाय द वे, ये जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख के या फिर रिटर्न देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो मैं बार बार कर रहा हूँ, आप गलती कर बैठोगे। तो ये सारे चीज जब मैं बोलता हूँ आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा, डिटेल एनालिसिस करके देखिएगा। मैं सारे एनालिसिस एक्सेल शीट में भी दिखाऊंगा। ये सारे चीज देखने के बाद मेरे बातों को आप कंप्लीटली सुनो, समझो, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे आप प्रॉफिट में रहोगे। सो फ्रेंड्स, ये तो रिटर्न तो आप देख रहे हो, बट इसमें अगर देखोगे इसके अंदर है क्या, तो देखो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज है एंड ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो, ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ये डेरिवेट नहीं करता है। तो यहाँ पे 8-9 स्टॉक्स रहता है, यानी 8-9 स्टॉक्स यहाँ पे रहता है एंड मंथली रिबैलेंसेस होता है, यानी एवरी रिबैलेंस जो रिव्यू होती है कि कौन से स्टॉक्स को हमें लेना है, कौन से स्टॉक से एग्जिट होना है, तो ऐसे में ये मंथली ये रिबैलेंसेस होते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट जो रिबैलेंस हुआ था जुलाई 10th को 2024 को हुआ था, नेक्स्ट रिबैलेंस अगस्त 12 यानी 12 अगस्त को ये होने वाला, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप टाइमलाइन रिबैलेंस भी देखोगे, इनके जो रिबैलेंसेस हुए यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलेगी, यानी कंप्लीटली ये बाय करके रखते हैं, काफी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा फाइनेंशियल रेशियोज भी देखोगे, मैं सारे चीज एक एक करके दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पी रेशियोज, पीबी रेशियोज, ये सारे चीज ऐसे सेक्टर, ऐसे सेगमेंट या फिर ऐसे स्मॉल कैश बास्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना काफी जरूरी होती है। देखो यहाँ पे अभी आप सबको पता होगा स्टॉक मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है, अगर यहाँ पे देखा जाए लोगों का बात है, अगर सुनते हो मेरा वीडियो अगर देखते हो, तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स का वैल्यू काफी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप के साथ ये कंपेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर देखोगे तो 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स है
लार्ज कैप में यहाँ पे 35% है, तो यहाँ पे काफी लार्ज कैप का भी अच्छा एक्सपोजर है। और यहाँ पे जो जो आपको मेन चीज दिखा रहा था फाइनेंशियल रेशियोज, यहाँ पे देखो पी रेशियोज काफी अच्छे हैं, यहाँ पे 23.07 है, वेदर इज बेंचमार्क की देखोगे 36.18 है, पीबी रेशियो भी देखो 4.10 है, एंड इक्विटी स्मॉल कैप की 4.36 है, तो ये काफी अच्छे वैल्यूएशन भी अवेलेबल हो रहा है। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में कितना ड्रॉडाउन हुआ था, क्या हुआ था, वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल इससे मैनेजमेंट अगर आप देखोगे ये गोल्फी मैनेज करता है, और गोल्फी जो मिस्टर रॉबिन आर्या, इनके पास 15 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके साथ पॉडकास्ट वीडियो भी मैं कर चुका हूँ। इनके बाकी सारे अगर आप स्मॉल केस देखोगे काफी अच्छे स्मॉल केसेस ये मैनेज करते हैं, 6-7 स्मॉल केसेस है, काफी प्रीमियम स्मॉल केसेस भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे रिटर्न भी ये दे रहा है। अगर आपको कंप्लीट रिव्यू चाहिए ये वाली स्मॉल केसेस हाउस की, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैं कंप्लीटली डिस्कशन किया है, एनालिसिस किया है, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल ये जो स्मॉल केसेस है इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फ्रेंड्स ये जो स्मॉल केस है इसमें निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स यानी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट से जो कंप्लीट 500 स्टॉक्स जो यहाँ पे है, जो टॉप लेवल की ऐसे 500 सेगमेंट यानी स्टॉक्स से ये स्टॉक्स को पिक करते हैं। एंड इसमें मेनली जो यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर ज्यादा जो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है, जैसे कि ऐसे कंपनी जो नया नया इनोवेशन करता है एंड बहुत सारे रिसर्च वगैरह करता है एंड यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, दैट्स व्हाई तो ये काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफ चार्ट को भी काफी अच्छे से रिटर्न यहाँ पे मार्केट को बीट करके ये काफी अच्छा यहाँ पे रिवर्ड दिया है, रिटर्न दिया है। तो आप इस रिटर्न को देखिए, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये सारी चीज देखिएगा, डिटेल एनालिसिस देखने के बाद आप डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे जो सेकंड में मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल केस। ये वाली स्मॉल केस को काफी दो तीन महीने यानी 2-3 मंथ्स बिफोर भी मैंने रिव्यू किया था, काफी अच्छे स्मॉल केसेस है, रिटर्न भी काफी 2 ईयर से 65% जैसे रिटर्न दिया है। और ये वाली भी कंप्लीट मैं अगर आप नाम से आप देख सकते हो कि न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, आप ऐसे मत समझिएगा कि ये कंप्लीटली एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, ये भी ब्रॉड बेस्ड स्मॉल केस है। यहाँ पे हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पे हो सकता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, यहाँ पे हो सकता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप रिटर्न ग्राफ के भी देखोगे काफी अच्छे से ये मार्केट को बीट करके रिटर्न दिया है। एंड फ्रेंड्स इसके अंदर अगर थोड़ा सा झांकोगे यहाँ पे तो स्टॉक्स देखोगे लार्ज कैप 45% है, मिड कैप में 30% है, स्मॉल कैप काफी कम है यहाँ पे 24.34 है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा फ्रेंड्स ऐसे सेगमेंट में अगर स्मॉल कैप की एक्सपोजर कम रहता है तो रिस्क भी काफी कम रहता है। एंड फ्रेंड्स रिबैलेंस भी अगर देखोगे यहाँ पे भी आपको ज्यादा चेंजेस आपको रेगुलरली नहीं देखने को मिलेगी, इसका मतलब है ये भी बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर फाइनेंशियल रेशियो देखोगे तो इक्विटी मल्टी कैप के साथ बेंचमार्क के साथ ये कंपेयर हो रहा है, क्योंकि अभी जो स्टॉक्स एलोकेशन है ये इक्विटी मल्टी कैप के साथ कंपेयर हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट रिबैलेंस के बाद ये लार्ज कैप के साथ कंपेयर हो रहा हो। बाय द वे आप एक और सारे चीज को ये देखोगे तो यहाँ पे बेंचमार्क के साथ आप देखोगे तो पी रेशियोज क्या है, तो यहाँ पे इक्विटी मल्टी कैप के हिसाब से पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर इक्विटी मल्टी कैप के 28.12 दिख रहा है और पी रेशियो यहाँ पे स्मॉल कैप के दिख रहा है 37.83, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट इतना भी ओवर वैल्यूड नहीं है कि आप इतना ओवरवैल्यूड हो, क्योंकि आज के डेट में अगर आप सारे अच्छे कंपनीज देखोगे ना उनके जो पी रेशियोज काफी ज्यादा है यानी हाई हो चुका है, क्योंकि लोग भर भर के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट बहुत ही बुल रन में है और थोड़ा बहुत एक दो दिन में भी करेक्शन आया है, दैट्स व्हाई मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ये सारे चीज काफी अच्छे होने वाला है। एंड फ्रेंड्स इसके बारे में तो आपको डिटेल्स में बताया, बट अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए ना तो ये वाली वीडियो को जाइए, मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और प्लस एंड स्क्रीन में भी वीडियो की लिंक है, आप एक बार देखिए वीडियो को, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके मैनेजमेंट के बारे में बताऊं तो ये राइट रिसर्च मिस सोनम श्रीवास्तव, ये काफी एक्सपीरियंस मैनेजर भी है, काफी पॉपुलर स्मॉल कैश मैनेजर भी है स्मॉल कैश हाउस में, तो इनके भी काफी अच्छे अच्छे स्मॉल कैश चलता है, काफी अच्छा रिटर्न भी देते हैं स्मॉल कैश, मोमेंटम के लिए काफी फेमस भी है, इनके साथ भी मेरा पॉडकास्ट वीडियो भी है, आप ये वाली वीडियो देखिएगा आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे नंबर 3 में यहाँ पे मैंने लिया है उमिनी भारत डिफेंस स्मॉल कैप। सो फ्रेंड्स अभी डिफेंस का जो सारे स्टॉक्स देखोगे ना काफी ओवर वैल्यूड है, बट ये वाली अगर पोर्टफोलियो को देखोगे लास्ट 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न दिया, ऑब्वियसली डिफेंस में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा एलोकेशन भी किया है पैसा, और जो
कंपनीज है, डिफेंस की कंपनी, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा ऑर्डर भी है, यानी ऑर्डर बुक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ज्यादा ये चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ज्यादा कुछ आपको बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस कंप्लीटली डिफेंस सेक्टर, यानी डिफेंस सेक्टर में जो भी डीलिंग्स करती है कंपनी, इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा नहीं कि ये खाली बंदूकें बनाता है, यहाँ पे जो हेलमेट भी बनाता है और डिफेंस के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनीज बनाते हैं, ऐसे कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 18 to 20 मिलेगा और क्वार्टरली रिबैलेंस होता है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे आज ले लिए और 7 दिन के बाद यहाँ पे रिबैलेंस करके निकाल देंगे, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। और एक ऐसे पोर्टफोलियो जो क्वांटेस की तरफ से, वो भी स्मॉल कैप रिबैलेंस मंथली नहीं होती है, क्वार्टरली वीकली होती है, तो उसे भी आप देख सकते हो भाई। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, ओमिनी भाई और डिफेंस स्मॉल कैप। तो यहाँ पे अगर आप पी रेशियोज भी देखोगे, फाइनेंशियल रेशियो, तो यहाँ पे अगर इक्विटी लार्ज कैप को देखोगे, क्योंकि इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा है, 55% जैसा लार्ज कैप है, मिड कैप में 25.50 है और स्मॉल कैप में 19% है। तो यहाँ पे अगर आप जो फाइनेंशियल रेशियो देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। अगर आप इंडिविजुअली कंपनी पे जाओगे तो डिफेंस के जो कंपनीज है 100-100 के ऊपर यहाँ पे पी रेशियो है, बट कुछ ऐसे कंपनीज जिसमें है, इस पर्टिकुलर बास्केट्स में है, जिसमें अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो ओवरऑली अगर आप पी रेशियो देखोगे, यानी जो पूरा पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। एंड फ्रेंड्स रिटर्न ग्राफ को तो आप देख ही रहे हो, कितना अच्छे से मार्केट को बीट करके रिटर्न दे रहा है। बट रिसेंटली आप देखोगे जो डिफेंस के स्मॉल कैस, यानी डिफेंस के जो स्टॉक्स है स्मॉल कैस में आपको बोल रहा हूँ, काफी अच्छे करेक्शन मोड में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एक्सपोजर ले सकते हो। बाय द वे कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको समराइज करके बताऊंगा। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे सेम ओमिनी की और एक स्मॉल कैस मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज ओमिनी बुलेट ट्रेन ग्रेट इंडियन रेलवे। ये वाली स्मॉल कैस भी काफी अच्छे स्मॉल कैस है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट यानी रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे देखोगे कंप्लीटली यहाँ पे लिखा गया है तो कितना पैसा यहाँ पे एलोकेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या विजन है स्मॉल कैस के, सारे चीज यहाँ पे दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है इस बजट में रेलवे के सेक्टर में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे सेक्टर की जो कंपनीज है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख जैसा लग जाएगा और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जो यहाँ पे फीस है, यहाँ पे परसेंटेज में है। बट अगर आप स्मॉल कैप वेबसाइट में जाकर अगर सब्सक्राइब करते हो तो इनके सब्सक्रिप्शन फीस आपको रफ अमाउंट में आपको मिलेगा, यानी ऐसे परसेंटेज में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। बट मेन चीज यहाँ पे है कि जो ओमिनिस साइंस कैपिटल है, इनके बारे में भी जानना आपको काफी जरूरी है। ये किसी इंडिविजुअल की, ये इंडिविजुअल मैनेजर यहाँ पे नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एक्सपर्टाइज जो होते हैं, जो रिसर्च एडवाइजरी फार्म, मतलब जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, सेबी रिसर्च एनालिस्ट, इनके द्वारा ये मैनेज होते हैं। काफी सारे अच्छे अच्छे स्मॉल केस को ये मैनेज करते हैं। आप देखोगे मोर देन 90 स्मॉल केस को ये मैनेज करें, काफी अच्छे रिटर्न्स भी ये दिया है। तो इनके सारे स्मॉल केस काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो जो लास्ट में मेरा सिलेक्शन यहाँ पे जीआई की नेक्स्ट 50 लार्ज कैप। रिसेंटली फ्रेंड्स अगर आप 1-2 महीने के अंदर अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप 5-6 दिन 15 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये काफी अच्छे करेक्शन में भी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट 50 अभी करेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। बाय द वे ये वाली स्मॉल कैप को भी मैंने कंप्लीट रिव्यू किया है, आप देख सकते हो, ये वाली वीडियो में पिन कमेंट में दे रहा हूँ, प्लस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके बारे में अगर सिंपली मैं आपको बताऊँ, 10 स्टॉक्स की पोर्टफोलियोज है, इसके अंदर एवरी स्टॉक्स 8-10% के अंदर रहता है। यानी अगर मान लीजिए 10 स्टॉक्स है तो आप पूरा जो अमाउंट को डिवाइड करके अगर कैलकुलेशन करोगे तो एवरी स्टॉक्स के वेटेज 10% जैसी होती है। एंड कंप्लीटली लार्ज कैप सेगमेंट से है, यानी इसमें आपको ना मिड कैप ना यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स मिलेगा। यानी निफ्टी जो 50 है उसके अंदर स्टॉक्स भी आपको नहीं मिलेगा। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स, जो 50 कंपनियों का नेक्स्ट 50 लार्ज कैप इंडेक्स है, उससे ये स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो ये एक बहुत ही मैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कहूंगा, बट ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये आप अच्छा आप एक वेल्थ जनरेट कर सकते हो, तो ऐसे स्मॉल कैप ये अच्छा हो सकता है। 11 मंथ में रिटर्न काफी अच्छे दिया हुआ है, ऐसे स्मॉल कैप शायद आपको ऐसे नहीं मिलेगा इतने कम टाइम में इतना ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया हो। एनीवे ये रिटर्न देख के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इसे एनालिसिस कीजिएगा फिर आप देखिएगा। एनीवे इसे मैनेज करता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग्स जो स्मॉल कैप हाउस है, बट इनके जो मैनेजर है मिस्टर नरेंद्र सिंह सिंगमर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन है। इनके साथ मेरा पॉडकास्ट वीडियो भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके पास 20 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी नॉलेजेबल पर्सन है। इनके बाकी सारे स्मॉल कैप भी अगर देखोगे काफी अच्छे परफॉर्म करे, जैसे निफ्टी टॉप 10 ब्लू चिप कंप्लीटली लार्ज कैप निफ्टी 50 से स्टॉक्स को पिक करते हैं, काफी अच्छे रिवार्ड भी यहाँ पे दिया है। रिसेंटली मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था जीआई फ्लेक्सी कैप सुपर अचीवर्स, जिन लोगों को 1 and 1.5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ऐसे
इन्वेस्टर्स के लिए ये वाली पोर्टफोलियो काफी अच्छा पोर्टफोलियो जो मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल जो पांच स्मॉल केस, बट आप अगर देख रहे हो नो डाउट दिस स्मॉल केसेस आर गिवन ए गुड रिटर्न, बट रिटर्न देखे अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट माय इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कंप्लीटली माय पर्सनल ओपिनियन है, एजुकेशनल पर्पज के लिए आप देख सकते हो, बट ये वाली जो स्मॉल केसेस है मुझे लगता है ये बजट में काफी इफेक्टिव होने वाले हैं। अब चलिए एक्सेल शीट में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि नेगेटिव रिटर्न क्या दिया है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए, एक समराइज रिपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने पूरा एक्सेल शीट में लिस्ट किया है, तो गोल्डफी से लेकर जीआई नेक्स्ट नेक्स्ट 50 लार्ज कैप तक मैंने लिस्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नेगेटिव ड्रॉडाउन दिया है ओमनी के भारत डिफेंस स्मॉल कैश एंड ओमनी बुलेट ट्रेन स्मॉल कैश, ये वाली सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन दिखा, यानी जब मार्केट में शार्प करेक्शन आया था तो ये वाली जो स्मॉल केसेस है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट गोल्फी के जो स्मॉल केसेस है ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं है, -6% ड्रॉडाउन दिखा रहा है। राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की -8% ड्रॉडाउन दिखा रहा है एंड जीआई नेक्स्ट 50 की -11% ड्रॉडाउन दिया है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो तो यहाँ पे मैं कहूंगा ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। बाय द वे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी सारे स्मॉल केस के हमारे पास डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल होते हैं, जैसे गोल्फी की इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर, ये काफी कम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, ईयरली आपको 4,956 रुपीज लगेगा यानी 5,000 लगेगा, बट अगेन राइट नाउ दे आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट कूपन कोड, अगर आप 30% डिस्काउंट माइनस करोगे तो यहाँ पे 3,500 के आसपास आपको देनी होगी। बहुत ही सस्ते स्मॉल यानी सब्सक्रिप्शन फीस है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की अगेन 25% डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप देख सकते हो डिस्काउंट कूपन कोड के बाद आपको काफी सस्ते में ये स्मॉल केस मिल रहे हैं। बट ओमिनी भारत डिफेंस, ओमिनी बुलेट ट्रेन, इनके जो स्मॉल केसेस है ये भी काफी अच्छे कर रहे हैं, बट इनके भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट ज्यादा नहीं है, बट फिर भी ऑलमोस्ट 12,000 के बराबर है एंड यहाँ पे मेरे पास कोई भी डिस्काउंट कूपन कोड नहीं है, बट जब भी अवेलेबल होगा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम कमेंट में दे दूंगा। बाय द वे आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं अप टू डेट एवरी डे कुछ ना कुछ अप टू डेट अपडेट देता रहता हूँ मार्केट रिलेटेड और डायरेक्ट कम्युनिकेट करता हूँ, जो भी आपके क्वेरीज होते हैं यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। एंड जीआई नेक्स्ट 50 लार्ज कैप्स, ये वाले भी काफी अच्छे स्मॉल केसेस है, यहाँ पे इनके भी जो फीस है 11,800, बट मेरे पास अभी डिस्काउंट कूपन कोड है, अगर आप डिस्काउंट यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 8,500 यानी 8,850 रुपीज में आपको ये मिल जाएगी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारे चीज देख के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कॉस्ट एडजस्टमेंट रिटर्न, ये वाली कॉलम आप देख सकते हो, जो सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके सब्सक्रिप्शन फीस देने के बाद सच में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, तो ये सारे चीज को देखना काफी जरूरी होती है, ऐसे एनालिसिस आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट एडजस्टमेंट रिटर्न, ये अगर आप लंप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, रहते हो इन्वेस्टेड रहते हो, तो ऐसे में ये लास्ट जो इन्वेस्टेड टाइम है, अगर आप गोल्फी की यहाँ पे देखोगे 8 मंथ पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते और इन्वेस्टमेंट रहते मार्केट में, तो आपके सारे खर्चे जाने के बाद 58% रिटर्न दे रहा है। सिमिलरली राइट न्यू इंडिया की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो यहाँ पे कॉस्ट एडजस्टमेंट रिटर्न 60% जैसा रिटर्न दिखा रहा है। ओमिनी भारत के तो काफी अच्छे हैं, यहाँ पे बुलेट ट्रेन के सेगमेंट में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। जे निफ्टी नेक्स्ट 50 में ओनली 10 मंथ में ये तो बवाल मचा के रखा है, 87% कॉस्ट एडजस्टमेंट रिटर्न दिखा रहा है, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि जो रिटर्न दे रहा है आगे जाके ऐसे रिटर्न देगा, बट इसे सारे चीज को मैं देखने के बाद मुझे लगता है ऐसे स्मॉल केसेस जो मैं रिव्यू कर रहा हूं और ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये सारे स्मॉल केस काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे एनालिसिस आप ध्यान से देखिएगा, देन आप डिसीजन लीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 6-7 कुछ समराइज पॉइंट है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें और कैसे एग्जिट लेना है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में थोड़ा सा बातें करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको कितने टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं जैसे पहले भी कहा है एटलीस्ट आपके पास 3 साल होनी चाहिए, एटलीस्ट चलो 3 साल भी नहीं 2.5 ईयर यानी 2.5 साल आपके पास होनी चाहिए। अगर इससे भी कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके लिए स्मॉल कैश नहीं है, आप जीआई के फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैश देख सकते हो, ये आपके अगर आपके पास 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर जैसे टाइम फ्रेम है 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वाले स्मॉल कैश देख सकते हो, काफी रिस्की पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे आप चांस ले सकते हो। बाय द वे बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो, आप एक बार जो इसका वीडियो है आप देख सकते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगी, बट ये जो 5 स्मॉल कैश मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये तो 3-4 पॉइंट है, जैसे आपको कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए करना है, ये सारे चीज को देख के इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो यहाँ पे मैं कहूंगा ये जो सेक्टोरियल स्मॉल कैश इससे दूर रहिए, आप जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप या फिर आप जो इनोवेशन ग्रोथ लीडर जो गोल्फी के स्मॉल केसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छे स्मॉल केसेस है, यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। अगेन
लास्ट पॉइंट, यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप देखो कि सब्सक्रिप्शन फीस कितना दे रहे हो। सब्सक्रिप्शन फीस जो दे रहे हो उसके ऊपर आप 2% कैलकुलेशन करो। लेट से आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट यानी सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 to 2.5 लाख रुपीज होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के साइज मिनिमम होनी चाहिए, सो दैट जब आप इन्वेस्टेड रहोगे ये जो रिटर्न कमाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ रिटर्न कमा रहे हो। अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दे रहे हो, आपको लग रहा है कि रिटर्न देगा, मान भी लो आपको 30% रिटर्न दे दिया, बट यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन फीस तो चला गया 15%, ट्रांजेक्शन फीस चला जाएगा और 5%, तो आपको मिलेगा क्या? तो ये सारे चीज ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करके बताइए, अगर कुछ भी समझना हो तो आप कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारे जो स्मॉल केसेस है इसके डिस्काउंट कूपन कोड दिए हैं, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्यों आपको ज्यादा पैसा देना है। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू है तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर बनते हो, हमारे कम्युनिटी ग्रो होता है, एंड बहुत ही ऐसे स्मॉल केसेस की वीडियोस, म्यूचुअल फंड की वीडियोस में एवरी वीक लेके आते हैं, जो आपके पास भी नोटिफिकेशन मिलेगा एंड आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में अप टू डेट रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।